हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैस्टर ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एसएस रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। ट्रायंगल की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, रेक्टेंगल की बात करेंगे और रीजनिंग के प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, दम थाम के बैठिएगा और लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज है संडे और संडे की क्लास बहुत लंबी होने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप सामने बोर्ड पर लिखा हुआ ही है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, है ना। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पहले अपन काउंट कर लेते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 25, 27, 28, 29, चार ऑप्शन आप सामने। कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो देखिए, यहाँ से काउंट कर लेते हैं बढ़िया से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बड़ा अंक 8 है, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 × 2 = 16, इतनी इतनी आकृति में 16 ट्रायंगल होंगे। आगे देखते हैं, इस वाले को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 1 और 2, तो 1 में 2, 2 तो ये हो गए, और ये वाला 3 के बाद 4, 5 ट्रायंगल हो गए, इसके बाद 6 और ये वाला मिलकर 7, फिर 8 और ये वाला मिलकर 9, तो प्लस 9 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद यहाँ से देखते हैं कि 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल और 1 ये पूरा मिलकर ट्रायंगल, तो 3 और हो गए, तो 16 × 3 = 19, 1 = 20, 8 = 28, यानी कि 28 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह सुन में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सामने देखिए दोस्तों, ये वाला। इसी तरह ट्रायंगल की कड़ी में देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये वाला एक चित्र आप सामने दिख रहा है, ये वाला कुछ अलग तरीके से इसको काउंट करते हैं। देखिए, ऐसे तो यहाँ से टाउन काउंट करते हैं कि 1, 2, 1, 2, है ना, 1, 2। यहाँ से अगर काउंट करते हैं, इधर से अगर काउंट करते हैं तो 1, 2। जब 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब यानी कि 8 ट्रायंगल। इसी तरह अगला देखते हैं, देखो 1, 2, 1, 2, तो 1, 2, 3, इस तरह 1, 2, 3, बड़ा अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इस 3 का क्यूब कर दो, 3 × 3 = 29, कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों, 27 ट्रायंगल हो गए। इसी तरह एक आकृति और देख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, इस तरह 1, 2, 3 और 4, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, बड़ा अंक कौन सा रहा, 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी आकृति को बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक अच्छी तरह सुनने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
धूप पड़ रही है, क्या रिएक्शन होता है आपका, कैसे दिखता है जरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि धूप में आपको राइट एंगल अच्छा दिखता है या नहीं दिखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 से 18 कैसे बना, देखो 6 से 18 वही चीज़ देखते हैं अपन, 7 से क्या बनने वाला, और ऑप्शन भी आपके सामने 30, 40, 49 और 36, चार ऑप्शन आप सामने, ठीक है देखो। अब 6 से 18 बनाना बड़ी आसान है, 6 से 18 बनाना बहुत आसान है। 6 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाएगा बहुत आसानी से। अगर यही ट्रिक अपन 7 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 होता है, सत्य 21। किसी ऑप्शन में नहीं, तो इतना सरल ये इतना इजी किसी एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है ना, कुछ उसमें कुछ तो लॉजिक वो रखेगा, कुछ ट्रिक तो लगाएगा कि इस ट्रिक के जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाया होगा। 4 ऑप्शन आप सामने, किस आप किस ट्रिक से ये ऑप्शन मिल सकते हैं देखते हैं। एक ट्रिक तो ये होगी, दूसरी ट्रिक देखते हैं, और 18 अपन कैसे बना सकते हैं, 18 और किस तरीके से बना सकते हैं ये देखना अपन को। तो 6 का स्क्वायर करें 36 होगा, 2 का भाग लगाए तो 18 बन जाएगा, बन गया। एक ट्रिक और लगाई दूसरी ट्रिक से बन गया। 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होगा, 2 का भाग लगाए तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 24.5 24.5 किसी ऑप्शन में नहीं, ये ट्रिक भी फेल हो गई। ट्रिकें तो बहुत सारी एग्जाम में, यहाँ तो मेरे को तो ट्रिक मालूम है किस ट्रिक से आया, किस रास्ते से यहाँ पहुँचे ये मेरे को मालूम है क्यों क्वेश्चन मैंने बनाया, लेकिन आपको नहीं मालूम आप किस रास्ते, इसमें 4-5 रास्ते होते हैं, गुणा करो जोड़ करो घटाओ भाग स्क्वायर क्यूब रूट कुछ भी करो, पर जो आपने इसके साथ किया वही उसके साथ करना है। तो ये दोस्तों अपन ट्रिक पे पहुँचते हैं, अब ट्रिक पे पहुँचेंगे क्योंकि ज़्यादा घुमाना अच्छा नहीं लगता है। 2 रास्ते तो हमने भटका दिए, तीसरा रास्ता अब मेन रास्ते पहुँचते हैं कि 18 कैसे बना। देखिए देखते हैं, 6 का स्क्वायर करें तो 6 + 3 कितना होता है, 36 हो गया। अब 36 से 18 बनाना है तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच में गुणा कर दो, 3 × 6 तो 3 × 6 कितना होगा, 18 बन गया। वही ट्रिक इसमें लगाएंगे, 7 से 2, 7 का स्क्वायर साथ ही साथ ही 49, इसमें भी 4 × 9 करेंगे तो 4 × 9 = 36 होगा, तो 36 ये ऑप्शन में आ गया, हुआ ना ट्रिक। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ट्रिक होती है, आप किसी भी ट्रिक से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस क्या आपको मालूम है किस ट्रिक से यहाँ तक पहुँचा जाता है। जैसे मैं 6 से 18 पे पहुँचा हूँ, क्या आप 7 से 36 तक पहुँच सकते हैं, इस किस ट्रिक से चले किस चाल से चले कि आप वहाँ पहुँच सकते हैं। जैसे कोई एरोप्लेन से जाता है तो उसने आधे घंटे में तय करी, तो आपको भी एरोप्लेन से उड़ना पड़ेगा है ना। इस वजह से देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला एग्जामिनर कैसे अपनों को घुमाता है और अपन किस तरह से उसके जाल में फंसते हैं, देखिए। अब ऐसा आकृति आपके सामने आ जाए, ट्रायंगल गिनना बड़ा आसान है, क्या आप गिन सकते हैं? देखिए काउंट करेंगे, पहले नीचे वाले काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वाली आकृति और ये वाली आकृति एक अलग ट्रायंगल बन सकता है यार, ये वाली ट्रायंगल एक अलग बन सकता है। तो 1 2 3 4 यानी कि 1 ने 2 3 3 6 4 10 यहाँ 10 यहाँ हो गए, इसी तरह 1 2 3 4 तो 1 2 3 3 6 4 4 10 ये हो गया। अगला गिनते हैं 1 2 3 4 इसमें भी देखो 1 ने 2 3 3 6 4 10 इसी तरह 1 2 3 4 ये भी हो गए 10। अब और गिन सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखो एक बड़ा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है, इसी तरह एक ये वाला 2 बन रहा है इधर, तो इसी तरह 3 और 1 4 यानी कि प्लस 4 ट्रायंगल और बने। अब गिन लो 10 20 30 40 4 44 कितने ट्रायंगल हो गए दोस्तों, 44 ट्रायंगल हो गए। आयुब की बड़ी अच्छी तरह सुनने आ गया है ना। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल लेते हैं, पर देखिए देखो कोई धन 10% दर से 2 वर्ष में दुगना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसका ब्याज कितना हो जाता है 150 रुपये हो जाता है ना। देखिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना 150 दे रखा है ना, और दे रखा इसने दर कितनी दे रखी DR इज इक्वल टू दे रखी इसने 10% और टाइम दे रखा इसने 2% 2 वर्ष, तो P इज इक्वल टू ज्ञात करना है, प्रिंसिपल इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए जब 2 वर्ष हो तो D इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर बराबर ये होता है D एंड डिफरेंस 150 हो जाएगा, P प्रिंसिपल ज्ञात करना है अपनों को, आर दर 10 दाम कितना हो जाएगा 100 × 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, ये गुणा होगा तो P इज इक्वल टू 1 5 और 3 0 15,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप के क्वेश्चन अच्छी तरह सुनने आ गया होगा ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 2 अंक की संख्याओं के अंकों का योग 9, अंक उल्टे मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। देखो इसके ऑप्शन चलना पड़ेगा 45 63 ऑप्शन आप सामने 45 63 18 और 36 चार ऑप्शन, ये कह रहा है अंकों का योग 9। पहला ऑप्शन लेते हैं 4 + 5 = 9 बिल्कुल ही तो आ गया। अब अंक उलटते हैं, ये 45 है तो 45 का क्या होगा, 5 पे 4
54। तो अंक उलटने पर मूल संख्या से 27 कम हो जाती है। अब ये 27 कम, ये 45, 27 कम नहीं हुई, अधिक हो गई, इसलिए ऑप्शन तो गलत हो गया। 63 तक देखते हैं तो 6 + 3 = 9 हो गए, अंक उलटते तो 36 हो गया था। ये इससे कितने कम देखते हैं तो 63 - 36, 13 में से 6 गए तो 7 बचा और 5 में 3 = 2, 27, यानी कि ये 27 कम हो रही है 27। तो ये ऑप्शन इसका 63 इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी धूप है तो इतने ज़्यादा अपन नहीं पढ़ा सकते, कल देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।